नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी रेपटूर्स पर और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और आज का टॉपिक है कि किस तरह से आप अपने लिए ब्लॉग बना सकते हैं, हाउ टू मेक ए ब्लॉग वेबसाइट। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पर्सनल टच देंगे। हम जो ब्लॉग बनाना चाहते हैं वो एक पर्सनल ब्लॉग होगा। अगर आप न्यूज मैगजीन वगैरह बनाना चाहते हैं तो भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। आप इस प्रैक्टिकल को देखने के बाद में आप लोग उसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बनाने से पहले प्रिपरेशन कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में हम लोग लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम अपने लिए एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग को कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पेन लेंगे और एक पेपर लेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी कॉपी है वो आप लोग ले आइए और पेन पेपर लेके आराम से बैठ जाइए। और सबसे पहले हम लोग अपने माइंड को एकदम कूल रखते हुए आराम से हम लोग अपने वेबसाइट के कॉन्सेप्ट पहले बनाएंगे कि हमारी वेबसाइट कैसे बनेगी। हर एक वेब डिज़ाइनर या जो लोग भी वेबसाइट बनाते हैं उनकी यही प्रोसेस होता है। मेरा भी यही प्रोसेस होता है। जब भी मैं कोई वेबसाइट बनाने जाता हूं तो पहले मैं उसे सोचता हूं, उसे स्केचिंग करता हूं। ठीक है, पहले आपको स्केच करना है, ड्राइंग समझ लीजिए, आपको उसे ड्राइंग करके पहले बनानी है, उसके बाद आप उसका फाइनल बनाएंगे अपने पीसी में या आपके लैपटॉप में, लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो हम लोग पेन कॉपी लेके बैठ गए हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना होम पेज की डिज़ाइन सोचने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पेन पेपर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की एक लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से हमारी वेबसाइट की लेआउट चालू होती है। और याद रखिए, मेरा जो डिज़ाइन है, मेरा जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग देख के कभी कभी मेरे स्टूडेंट को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। मैं इतना अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग वेबसाइट अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो मान के चलिए ये हमारी वेबसाइट होगी। अब वेबसाइट के ऊपर में आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें हेडर चाहिए, हमें कहाँ पे मेनू रखना है, कहाँ पे लोगो रखना है, कहाँ पे क्या रखना है, तो वो सारा कुछ हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एक ही चीज़ बनाएंगे, एक पेज में आपको एक चीज़ बनाना है ताकि आपके लिए आसानी होगा। तो हम लोग यहाँ पे हेडर सेक्शन बनाएंगे। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा यहाँ तक हेडर सेक्शन रहेगा, इस सेक्शन को हम लोग हेडर सेक्शन कहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक काम करेंगे कि इस जगह पे हम लोग लोगो बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लोगो रखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे होम रखेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद अबाउट रखेंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद में ब्लॉग रखेंगे और कॉन्टैक्ट रखेंगे। तो इतना काफ़ी है हमें जानने के लिए कि यहाँ पे हम लोग का ऐसा रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा बड़ा अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपना नाम कुछ इस तरह से, और उसके नीचे हम लोग एक छोटा सा डिज़ाइन बनेंगे और वहाँ पे लिखेंगे वेब डेवलपर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेब डेवलपर कुछ इस तरह से, और बैकग्राउंड में मैं एक फ़ोटो यूज करूँगा। ठीक है, तो फोटो के लिए यहाँ पे मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ। फोटो जो है, मैं एक बैकग्राउंड में मैं एक फ़ोटो लगाने वाला हूँ, तो फोटो के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस लगाऊँगा कि इसके पीछे में मेरा इस तरह से बैकग्राउंड इमेज रहेगा, यहाँ तक पूरा कंप्लीट, पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा बैकग्राउंड इमेज रहेगा। तो इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीजी इमेज, यहाँ पे मैं बीजी इमेज लगाने वाला हूँ। एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, और बैकग्राउंड इमेज मेरा क्या रहेगा, वो इमेज में मेरा वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट के रिलेटेड रहेगा, या तो मेरा इमेज रहेगा। तो मैं यहाँ पे पर्सनल, ठीक है, पर्सनल इमेज, और यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेब डिज़ाइन इमेज, कोई वेब डिज़ाइन को रिलेटेड करता हुआ, क्योंकि मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ। आप अगर एक टीचर होंगे या फिर आप स्टूडेंट होंगे तो उसके रिलेटेड कोई इमेज वहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लोगो सेक्शन बना लिया है, कुछ यहाँ पे लोगो इस तरह से रहेगा। ये हमारी मेनू सिस्टम रहेगी, यहाँ पे ये जगह पे हमारा मेनू रहेगा, यहाँ पे हमारा हीरो सेक्शन रहेगा जहाँ पे हम लोग अपना नाम लिखेंगे, और नीचे हम लोग एक सब टाइटल देंगे। ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो हम लोग नीचे स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट अस या फिर अबाउट मी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, तो मैं यहाँ पे अबाउट मी रखने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग जो रखना चाहते हैं वो लोग रख सकते हैं। और अबाउट मी में मैं क्या करूँगा कि नीचे दो लाइन का टेक्स्ट लिखूँगा। तो दो लाइन का टेक्स्ट को यहाँ पे जल्दी करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि मेरा यहाँ पे एक टेक्स्ट रहेगा कुछ ऐसे,
और थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कुछ टेक्स्ट रहेगा, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। और इसे आप हमेशा मार्किंग करते चले कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको आपको मार्किंग करते चलना है। तो आपको यहाँ पे इसे मार्किंग करना पड़ेगा, मैं इसे मार्किंग कर दूंगा। ये होगा हमारा टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा मेरे बारे में, ओके। और ये वाला जो सेक्शन है, ये है हमारी H1, H2, H3, जो भी आप हेडिंग लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे लिख दूंगा हेडिंग, इस तरह से हेडिंग लिख दूंगा। आप जैसे याद रख सकते हैं, आप वैसे लिखते जाएं। मेरा अबाउट सेक्शन हो गया, तो नीचे में अबाउट में मैं अपना लगा सकता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिख सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक इमेज लगाऊंगा यहाँ पे, ओके। और ये इमेज एक वेबसाइट की इमेज होगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा वेब डिज़ाइन, कुछ इस तरह से मैं वेब डिज़ाइन लिखूंगा। और नीचे मैं दो लाइन और लिख दूंगा, तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से। और मैं यूट्यूब में भी वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब की लोगो लगाएंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ नीचे हम लोग टाइटल लिख सकते हैं यूट्यूब, या फिर आप लोग यूट्यूब में काम नहीं करते हैं तो कोई दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अपना टेक्स्ट को कुछ इस तरह से। और तीसरा वाला हम लोग यहाँ पे और एक लगाएंगे। और लास्ट वाले में हम लोग, अगर कोई आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल वाला, मैं यहाँ पे आइकन यूज करूँगा कुछ इस तरह से दिखने के लिए मोबाइल जैसा। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, वो लिख लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो देखिए, ये आपको बाद में जब हम लोग पीसी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनते जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरा अबाउट में सेक्शन बन गया। अब मैं नीचे आऊँगा और इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो मैंने अभी बनाया है उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा कुछ इस तरह से। ये मेरा कंप्लीट हो गया। नीचे मैं और एक सेक्शन बनाना स्टार्ट करूंगा, तो नीचे हम लोग आ जाते हैं। और नीचे का सेक्शन, ये मेरा अबाउट में सेक्शन गया। अब मेरा लेटेस्ट ब्लॉग जो मैंने लिखा है, वो मेरा पोस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेडर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेटेस्ट ब्लॉग। यहाँ पे फ्रॉम भी लिख सकते हैं, मैं फ्रॉम लेटेस्ट ब्लॉग, ये मेरा हेडिंग रहेगा। नीचे मुझे और वैसे ही दो लाइन का टेक्स्ट लिखना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरह से। और नीचे और एक लाइन कुछ इस तरह से। तो ये मेरा हेडिंग हो गया, तो उसे मैं मेंशन करते चलूंगा कि ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। और नीचे वाला जो मेरा ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं पी टेक्स्ट लिख देता हूँ मेरा शॉर्टकट जानने के लिए, समझ में आ गया। और उसके बाद में ये जो ब्लॉग है उसमें मेरा इमेज मुझे यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि अपना इमेज लूँगा। यहाँ पे मुझे इमेज सेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज बनाऊँगा इस तरह से। और एक इमेज यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरह से, और एक इमेज यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी अपने कंप्यूटर पीसी पे नहीं है, लेकिन हम लोग अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग वेबसाइट बनाए, तो पहले हम लोग फाइनल कर लें कि हमें क्या करना है। तो ये रहा, ये हमारी इमेज रहेगी, तो इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। वो अपना अपना स्टाइल है, देखिए हर एक वेब डिज़ाइनर डेवलपर होते हैं, वो लोग कुछ अलग करते हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, या इमेज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, तो इसमें मेरा टाइटल रहेगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा। टाइटल को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं यहाँ पे टाइटल लिख भी सकता हूँ लेकिन जगह कम है, तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपने देखा था, हमने पिछली बार किया था। और नीचे उसका पैराग्राफ रहेगा, तो मैं कुछ इस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो फिर से हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा टाइटल, ये हमारा नीचे का टेक्स्ट, ये हमारा टाइटल और ये हमारा नीचे का टेक्स्ट। और इसे हम लोग, हमें समझ में आए बाद में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये वाला रहेगा हमारा पोस्ट का इमेज, तो हम लोग इसे लिख देंगे पोस्ट इमेज कुछ इस तरह से। और नीचे वाला जो हमारा है, ये होगा हेडिंग, तो हम लोग लिख देंगे हेडिंग। और नीचे वाला ये हमारा होगा पैराग्राफ, तो पी टेक्स्ट, तो हम लोग इसे लिख देंगे पी टेक्स्ट इस तरह से। तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ये सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से, थोड़ा गैप देंगे नीचे में। तो ये देखिए, हम लोग ऊपर से बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने हेडर सेक्शन बनाया, अबाउट में सेक्शन बनाया, अब अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो हमने लेटेस्ट ब्लॉग सेक्शन बनाया। तो अब हम लोग और नीचे जाते हैं, और लेटेस्ट ब्लॉग के बाद, क्योंकि आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि जब तक आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो आपको अर्निंग नहीं आएगी। अच्छा, तो आपको कूपन्स एंड डील्स का एक सेक्शन बनाना है, जहाँ पे आप होस्टिंग का रिकमेंडेशन कर सकते हैं, जैसे हमने होस्टिंग करके लिए किया था। या फिर आप कोई अमेजन की एफिलिएट करते हैं, तो वो आप वहाँ पे कूपन डील दिखा सकते हैं, बेस्ट डील फ्रॉम फ्लिपकार्ट दिखा सकते हैं। तो वो नीचे कूपन एंड डील सेक्शन आप जरूर रखिएगा। या फिर अगर आप ट्रेनर हैं, आप कोई कोर्सेस वगैरह बेचते हैं,
आप अपना ऑनलाइन कोर्सेज बेचना चाहते हैं तो नीचे एक सेक्शन जरूर बनाना चाहिए, अपना अपना स्टाइल है। मैं यहाँ पे अपना एक बना के दिखा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से डिसाइड करिएगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे आप टीचर हो तो टीचर वाला बनाओ, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वाला बनाओ, आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर वाली बनाओ, आपको जैसा चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे और एक सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे हम लोग जाएंगे, ये वाला सेक्शन हम लोग का ब्लॉग हो गया, ठीक है, अबाउट हो गया, और यहाँ पे लास्ट में मैं बनाना चाहता हूँ कूपन एंड डील्स का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ऊपर में मुझे टाइटल चाहिए तो हम लोग फिर से टाइटल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ रखूँगा कूपन, मैंने गलत लिख दिया लेकिन चलेगा, वो सिर्फ देखने के लिए है, कूपन डील्स, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से, हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं देखने के लिए कि कैसे दिखेगा, और कुछ नहीं। फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ को, अपना जो नीचे का पैराग्राफ है उसे। तो हम लोग कुछ इस तरह से पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो ऊपर वाली हेडिंग है तो उसे मैं फिर से मेंशन कर दूंगा कि ये मेरा हेडिंग है बोल के, तो मैं इसे लिख दूंगा हेडिंग। और नीचे वाला जो है मेरा, ये वाला मेरा पी टेक्स्ट है, तो मैं इसे पी टेक्स्ट इस तरह से लिख दूंगा, ये मेरा हो गया। और नीचे जो है कूपन एंड डील्स में, मैं एक ब्लॉग की तरह ही एक पोस्ट सेक्शन बनाऊंगा, कैटेगरी एक बना के मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज डालेंगे कुछ इस तरह से, और ये एक दूसरा इमेज डालेंगे कुछ इस तरह से, और एक तीसरा इमेज डालेंगे कुछ इस तरह से। तो आपको पता ही है आप इमेज रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मैं तो ऐसा करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से मैं इमेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। और मान के चलिए ये फ्लिपकार्ट के लिए है अगर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये फ्लिपकार्ट डील रहेगा बोल के, फ्लिपकार्ट ऑफर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लिपकार्ट ऑफर। आपको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, मैं यहाँ पे छोटा कर दिया तो इसलिए गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ये वाला अमेजोन का रहेगा तो ये अमेजोन लिख दिया मैंने, और ये वाला होस्टिंग डील रहेगा, कुछ होस्टिंग में आपने कोई ऑफर रखा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। और दो लाइन हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, तो हम लोग फिर से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ इस तरह से, ओके। और उसके बाद में हम लोग फिर से लिख देंगे, ये वाला रहेगा पोस्ट इमेज, इसको समझने के लिए मैं पी इमेज लिख दे रहा हूँ, अपना मर्जी है, हमारी वेबसाइट है, मैं कुछ भी लिखूंगा। और इसे मैं हेडिंग लिखूंगा, तो इसको मैं हेडिंग लिख दिया, और ये वाला पी टेक्स है तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट रहेगा, कुछ इस तरह से मैं बनाऊंगा, ओके। कूपन एंड डील्स खत्म हो गया, तो इसे मैं बंद करूंगा फिर, ये रहा ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। कूपन एंड डील्स के बाद में नीचे में मैं फुटर सेक्शन बनाना चाहता हूँ। फुटर सेक्शन में मैं क्या करूँगा, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डालूंगा, तो मैं थोड़ा सा फुटर जो है वो बड़ा बनाऊंगा, कुछ इतना बड़ा, ओके। और राइट साइड जो मैं, ये लेफ्ट साइड में मैं अपने बारे थोड़ा सा लिखूंगा, ओके। तो यहाँ पे डिटेल्स में मैं कुछ भी, या फिर मेरा जो लिंक है वो वगैरह मैं डाल सकता हूँ, या कुछ ऑफर वगैरह है वो डाल सकता हूँ, या फिर एक स्टाइलिश में एक इमेज यहाँ पे बना सकता हूँ, तो कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मान के चलिए मैं लिखूंगा अपने बारे में थोड़ा सा, तो अबाउट रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं अपना रखूंगा ईमेल, ऐसे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे रहेगा मेरा फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे वो फ़ोन नंबर रहेगा। और लास्ट में यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे एफबी का रख सकता हूँ मैं, या कुछ भी और ऐड करना चाहते हैं आप, या एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए मैं इस तरह से एड्रेस ऐड कर सकता हूँ ऐसा। और राइट साइड में हम लोग एक बनाएंगे मस्त में कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी करके मैं बनाऊँगा कॉन्टैक्ट मी, और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना दूंगा कुछ इस तरह से, एक फॉर्म रहेगा, फॉर्म में नेम वगैरह रहेगा, कुछ वगैरह रहेगा, और यहाँ पे एक सबमिट बटन रहेगा कुछ इस तरह से, हो गया। और उसके बाद मैं इसे लिख के कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, ये मेरा अबाउट सेक्शन रहेगा, अबाउट मी सेक्शन, और ये मेरा डिटेल्स। और नीचे जो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचेगा, मैं यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया का लिंक दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे YouTube का लगाएंगे, यहाँ पे Instagram का बनाएंगे हम लोग, और उसके नीचे यहाँ पे Twitter के लिए बनाएंगे, और यहाँ पे और एक तो कुछ बना सकते हैं हम लोग, ख़त्म। और नीचे कॉपीराइट लिखने के लिए हमें एक लाइन और चाहिए, तो हम लोग इतना बड़ा यहाँ पे हम लोग कॉपीराइट वाली यहाँ पे लिखेंगे इस तरह करके, ये वाला कॉपीराइट रहेगा। तो आप देखेंगे कि मेरी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट बन चुकी है। अगर हम लोग अपना वेबसाइट देखने की कोशिश करेंगे अभी, तो आप देखिए कि मैंने अपनी वेबसाइट जो है वो लगभग बना ली है। मुझे ये पता चल गया है कि मैं यहाँ पे लोगो रखूँगा, आप देख सकते हैं लोगो के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मैंने मेनू रखा है, यहाँ पे मैं अपना हीरो सेक्शन का टेक्स्ट रखूँगा, पीछे मैं एक बैकग्राउंड इमेज रखूँगा, अबाउट सेक्शन जाऊँगा, ये सारे आइकन हैं, तो ये मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ये हम लोग दे देते हैं कि ये वाली जो है वो आइकन रहेगा,
ये वाली आइकॉन रहेगा और ये वाली भी आइकॉन रहेगा। ओके, ये वाली हेडिंग और ये वाला पी टेक्स्ट। ओके, कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पहला सेक्शन है और ये वाला मैं अभी मेंशन करके ख़त्म करने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में लिखना चालू करेंगे। ये है मेरा हेडर, ये रहेगा मेरा अबाउट सेक्शन, नीचे वाला मेरा रहेगा ब्लॉग सेक्शन, ठीक है, और उसका नीचे वाला मेरा रहेगा डील सेक्शन, कूपन एंड डील्स, कूपन एंड डील्स, ठीक है, और उसका नीचे वाला ये मेरा अबाउट लिख चुके हैं हम, और ये वाला कॉपीराइट, ये वाला रहेगा कॉपीराइट फूटर, इस तरह से। ये सोशल मीडिया लिंक, बस आपके जानने के लिए है, इसे क्लियर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग कंप्लीट देखते हैं अपनी वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं ऊपर से मेरा हेडर सेक्शन, तो ये मेरा फाइनल में कर रहा हूँ, मुझे और कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो ये लो टिक, मेरा सही है। नीचे अबाउट सेक्शन मुझे पसंद है, टिक, और नीचे हम लोग जाएंगे ब्लॉग सेक्शन, ये भी मुझे पसंद है, ये लो टिक, और नीचे हम लोग जाएंगे कूपन एंड डील सेक्शन, ये भी मुझे पसंद है, टिक, और नीचे हम लोग जाएंगे ये अबाउट सेक्शन और कॉन्टेक्ट सेक्शन, ये भी मुझे पसंद है, टिक, और पूरे लास्ट में जाएंगे, ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा फाइनल डिज़ाइन है, लास्ट में मैं इसे अपना सिग्नेचर करके ख़त्म कर दूंगा, यही वेबसाइट में बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइनल, ओके, और यहाँ पे ये मेरा एक साइन ख़त्म, ये वाली, और यही वाली मैं अपने पीसी में लेके जाऊँगा और उसके बाद मैं इसी को कंप्लीट बनाऊँगा। तो अब हम चलेंगे अपने पीसी के स्क्रीन में, और क्योंकि हमने यहाँ पे लोगो बनाया है, उसके बाद इमेज यूज किया है, ग्राफिक्स यूज की है, तो ये सारा चीज़ हमें कहाँ से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में और बिना कॉपीराइट का, वो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसे हमने आपको बताया कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अभी हमने अपना पेन पेपर में अपना डिज़ाइन बना लिया है, अगर आप चाहें तो उसे ऑनलाइन में भी बना सकते थे, लेकिन मैंने पेन पेपर में बनाने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो लोग ऑनलाइन में वेब डिज़ाइन का लेआउट नहीं बना सकते हैं, और अगर आपको आइडिया है तो आप फोटोपिया से आप बिल्कुल उसी तरह से जैसा हमने पेन पेपर में किया आप बना सकते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पे न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद आपको एक साइज लेना होगा, जैसे कि यहाँ पे 1280 है और यहाँ से मैं इसे 1500 कर दूंगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे तो आपको एक कैनवास इस तरह से दिखाई देगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्केट टूल लेंगे और यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी कलर, ये कोई ट्यूटोरियल्स नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जो आपने पेन पेपर में डिज़ाइन बनाया आप यहाँ से भी कलरफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने कोई कलर लिया और यहाँ पे हम लोग उसे डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमें एक लेयर लेना पड़ेगा यहाँ पे पहले, और हम लोग ऐसे डाल सकेंगे। तो देखिए ये हमारा हेडर सेक्शन बन गया। फिर आप यहाँ पे अपना जो लोगो लगाना चाहते हैं टेक्स्ट वाला, अगर आपको लोगो बनाने आता हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे लोगो बना सकते हैं। मैं अपना नाम को ही यहाँ पे लोगो लिख ले रहा हूँ क्योंकि फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बस आपको तरीका बताना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे अपना नाम को ही यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, यही मेरे लिए लोगो है अभी के लिए, क्योंकि मैंने लोगो अभी डिसाइड नहीं किया। तो ये सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना लोगो ले लिया है। थोड़ा सा मैं इसे बोल्ड रखूँगा ताकि ये मुझे पता चले, और इसकी साइज़ भी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे कुछ इतना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा लोगो लग गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे होम सेक्शन वगैरह बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे होम रहेगा मेरा, उसके बाद में मैं यहाँ पे अबाउट रखूँगा, अबाउट मी, उसके बाद में मैं अपना ब्लॉग रखूँगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट रखूँगा कुछ इस तरह से। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और ये कोई ट्यूटोरियल्स नहीं है, अगर आपको आता है तो आप ये प्रोसेस करेंगे, नहीं तो हमने आपको पेन पेपर में कैसे बनाते हैं अपना लेआउट वो बता चुके हैं आपको, तो आप पेन पेपर वाली यूज करिएगा। ये उनके लिए है जो लोग वेब डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। साइज़ जो है वो यहाँ पर मैं लगभग इसे 16 के आसपास कर दूंगा या 18 आसपास रखूँगा, और जो इसका फॉन्ट जो बोल्ड किया था हमने वो हटा देंगे और इसे नॉर्मल कर देंगे, और उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग इसे राइट साइड में यहाँ तक ले जाएंगे। ओके, और ज़्यादा ही अगर आपको छोटा लगे तो आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, और बीच में अगर आपको गैप देना है तो आप स्पेस के जरिए से थोड़ा यहाँ पे गैप दे सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा आप गैप करेंगे तो हो जाएगा। ये मैं ऐसा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं मेनू बना सकता हूँ। फिर यहाँ पे बीच में हमें लिखना था, तो आप कोई टाइटल वगैरह यहाँ पे बीच में लिखना चाहते हैं,
फोटो अगर इसमें प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग फोटो भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकेंगे। मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको नहीं बता रहा हूँ, और अगर आपको फोटोपिया नहीं चलाने आता है तो आप कैनवा वगैरह पे काम करते हैं तो यहाँ पे भी आप साइन अप करके कर सकेंगे, या फिर आप पिक्सलर यूज कर सकते हैं। तो ये वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट स्टूडेंट के लिए है, वो यहाँ पे अपना प्रोटोटाइपिंग करेंगे, बट हमने अपना पेन पेपर में कर लिया है। अब दूसरा जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगी कंपनी का ब्रांड कलर। हर कंपनी का एक कलर रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडोबी कंपनी का, तो आप देख सकते हैं कि एडोबी कंपनी ने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर आप चाहें तो हम लोग दूसरे का भी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस ले लेते हैं। वर्डप्रेस कंपनी ने कौन कौन सा कलर यूज किया है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और अगर आप एक वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको कलर थ्योरी के बारे में पता ही होगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, आप खुद कर सकते हैं। ये बिगनर फ्रेंडली हमने वर्डप्रेस 0 to Hero सीरीज को बनाया था, तो सभी को नहीं आएगा क्योंकि सभी लोग वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो लोग यहाँ से आके ब्रांड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है brandcolor.net, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका जो वेबसाइट होगा वो किस तरह से कलर कम्बिनेशन में रहेगा। दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है फंट। आपकी वेबसाइट में आप कौन सा फंट यूज करने वाले हैं आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे एक फंट बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका नाम है लेटो। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये फंट मिल गया। तो आप उसे कहीं पर लिख के रख लें या नोटपैड में आप सेव कर लें कि आप इसको यूज करने वाले हैं। पैराग्राफ के लिए अगर आप कुछ अलग यूज करना चाहते हैं तो आप अलग यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी आके, जैसे ये वाली मुझे अच्छा लग रहा है तो ये बालोटोमा 2 करके लिखा हुआ है तो इसे भी मैं यूज कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग अपने वर्डप्रेस साइट में एलिमेंटर यूज करेंगे तो वहाँ पे गूगल फंट का ऑप्शन रहता है, ये ध्यान रखें। और अगर आपका ऑप्शन नहीं रहता है तो आप गूगल फंट नहीं यूज कर पाएंगे। उसके बाद हमें और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो दूसरा चीज़ था, पहले ब्रांड कलर आ गया हम लोग का, फंट आ गया, फिर हमें एक लोगो चाहिए। तो अगर आपको लोगो डिज़ाइन करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप दूसरे से बनवा सकते हैं। फिर भी नहीं आता तो ये एक वेबसाइट है logomaker.com करके, ठीक है। यहाँ पे ER नहीं है, लास्ट में R है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आप लोग यहाँ से अपने लिए लोगो बना सकते हैं, कोई भी शेप आप लेना चाहें। जैसे ये शेप मुझे पसंद है तो ये मैंने ले लिया, और यहाँ पर मुझे कोई टेक्स्ट लगानी है, जैसे मेरा नाम के हिसाब से मैं यहाँ पर ED लिखना चाहता हूँ, और उसके बाद में मैं इसे प्लेस कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये वाला मैं सेलेक्ट करके, इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लूँगा, और देखेंगे कि ऊपर में टेक्स्ट तो है लेकिन सेम कलर हो गया है। तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेलेक्ट करके उसकी जो कलर है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, और मैं उसे वाइट पे ले जाऊँगा, और इस तरह से मैं अपने लिए लोगो बना सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से शांति से बैठ के यहाँ पे लोगो बनाएंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोगो के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इमेजेस की, और इमेजेस पूरी HD क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, अनप्लस करके एक वेबसाइट आता है, और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके पोस्ट के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, या अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे जितने स्टूडेंट हैं उसमें 40% तो सभी लोग यूट्यूबर ही है। तो आपको अगर कोई इमेजेस यूज करना है अपने यूट्यूब वीडियो में, या आपका जो थंबनेल बनाते हैं उसमें, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वेब डिज़ाइन के रिलेटेड कुछ ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग वेब डिज़ाइन लिखेंगे, हम लोग सर्च करेंगे, मुझे वेब डिज़ाइन के रिलेटेड यहाँ पर थंबनेल बनाने के लिए मिल जाएगा, या पोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, या मैं हेडर सेक्शन में लगाना चाहता हूँ, फुटर सेक्शन में, उसके लिए इमेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी, और ये फुल्ली HD क्वालिटी का है, हमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये डाउनलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप इमेज का बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अलग टॉपिक है, आप कोई अलग चीज़ का काम करते हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट नहीं करते हैं, ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, कुछ SEO का, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, तो उनके लिए वो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से सर्च करेंगे, ठीक है, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट में अच्छी क्वालिटी की इमेज आप लोग लगा सकते हैं। तो ये आपका स्टॉक इमेज का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर देगा। दूसरा एक और वेबसाइट में बताना चाहूँगा, पिक्साबे। इसे मैं उतना ज़्यादा यूज नहीं करता लेकिन आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपने लिए आप एक वेबसाइट बना रहे, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे इस तरह से, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बिजनेस के रिलेटेड आपको बहुत सारे इमेज मिलेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला मत यूज करिएगा क्योंकि ऊपर वाला जो है वो स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसे खरीदना पड़ेगा, लेकिन नीचे का जितना इमेज है ये सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो इसे भी आप एक कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक इमेज के लिए, ये वाली यूज कर सकते हैं, या फिर पिक्सावे भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको, आपने देखा होगा कि आजकल जो वेबसाइट बनती है उसमें वेक्टर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अनरो। Unro.co ये एक फ्री ओपन सोर्स है जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स। तो हम लोग ब्राउज नाउ करेंगे यहाँ पे, और मान लीजिए कि मैं एक
मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं सर्च पे जाऊँगा और मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल का मुझे कोई वेक्टर यूज करना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल इस तरह से, और उसके बाद में मैं सर्च करूँगा और मुझे मोबाइल का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये कलर थीम पे आ रहा है और मेरी कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग हो सकती है, तो आप यहाँ पे कलर सेक्शन में जाके मान लीजिए मेरा रेड है तो रेड सेलेक्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट के साथ कलर मैच कर जाएगी। आप इसे क्लिक करेंगे और इसे भी आप डाउनलोड करके PNG के हिसाब से डाउनलोड करिएगा, तो आप इसे अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ग्राफिक्स यहाँ पर मिल जाती है, आपको कोई भी वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से आप इसे डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं और आपकी वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल दिखाई देगी। अब ये सारा चीज़ खत्म होने के बाद जो लोग भी वेब डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली वो लोग तो लोगो वगैरह बना सकते हैं, तो वो फोटोपिया का यूज करेंगे या तो वो लोग कैनवा का यूज करेंगे या तो पिक्सलर का यूज करेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया, जो लोग प्रोफेशनल नहीं है या फिर दूसरे प्रोफेशन में हैं उनके लिए ये बाकी सारा चीज़ वो यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने प्रिपरेशन किया, पहले हमने अपनी एक वेबसाइट का लेआउट बनाने की कोशिश की, उसके बाद में हमने जितना रिसोर्सेज चाहिए हमें लोगों के लिए, फंड के लिए, वो सारा कुछ हमने ढूंढा। अब बारी है हम लोग, पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है, दूसरे पार्ट पे हम लोग जितना चीज़ आज हमने रिसोर्सेज जमा किया है इसे लेके हम लोग अपना वेबसाइट को प्रैक्टिकली बनाएंगे अगले एपिसोड में। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।